अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इब्राहिम स्पीक्स। आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच के हवाले से। ये मैच इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था, और जैसा कि हमें पता है कि दुबई में टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंडिया ने पहले बैटिंग की। लेकिन इंडिया की बैटिंग कंसिस्टेंटली जो है, मैंने कहना चाहिए, दूसरे मैच में फेल हुई। पाकिस्तान के खिलाफ सम हाउ विराट कोहली ने उनको बचा लिया था दलालत से, तो 20 ओवरों में इंडिया 110 रन स्कोर कर सकी। इंडिया का टॉप ऑर्डर के राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पांत मुकम्मल तौर पर दूसरी तरफ कंजेकटिवली फेल हुए और इंडिया की बैटिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। यहाँ पर क्रेडिट जाता है केन विलियम्स को, उनकी कैप्टनसी को, कि उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी की। और ट्रेंट बॉल ने आगाज में साउथी के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा स्टार्ट फराम दिया। उसके बाद उनके स्पिनर्स सूदी और सेटनर ने कमाल की बॉलिंग की, और आखिर में फिर उनको 110 पे कंसिस्टेंटली विकटें गिरती रहीं इंडिया की, और वो मोमेंटम नहीं बना सके। उसके बाद अगर हम चेस पर आते हैं तो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं गुप्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छा फराम दिया, और उनके साथ जो उनके बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेली, और न्यूजीलैंड ने 15 ओवर में ही 2 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिया। तो तकरीबन इस वक्त इंडिया जो है ऑलमोस्ट 2 मैचेस के बाद ही आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो चुका है। हाँ, अगर अब रन रेट पर बात जाएगी, अफगानिस्तान का रन रेट इस टाइम उनसे अच्छा है, और इस टाइम अब जो कुछ भी है इंडिया के हाथ से निकल चुका है, अब वो दुआ ही करेंगे। लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस थी इंडिया की जानिब से। मैं यहाँ समझता हूँ जो एक चीज़ उनकी मिस कर रही थी वो क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर उनके पास कुलदीप यादव और चहाल होते तो वो दोनों कमाल की बॉलिंग करते हैं मिड्स में, तो मैच फंस सकता था। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ग्रुप ए पे टॉप पे हैं 3 कंसेक्यूटिव विन के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।